तो मैंने बोला ना बात नहीं। फलीशा है ना, जोर से बोलो नाम, बोलो क्या नाम मम्मा? फलीशा फातिमा जी। हेलो जी। नहीं बोलो, बोलो फलीशा है। दिन पहले मेरे बच्चे के साथ जो सुलूक हुआ, सैयद फयाजुद्दीन उसका नाम है, उर्फ अब्बू बोलते हैं उसको, उसके चार बच्चे हैं, उसकी बीवी है, बच्चे बच्चे हमारे मेरे बच्चे का कत्ल कर दिया गया, मेरे उसके बच्चे यतीम हो गए, उसकी बीवी बेवा हो गई, इसका कौन यानी जिम्मेदार है? मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यानी गुजारिश करता हूँ कि ऐसे रोड़ी शूटरों के ऊपर यानी सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए, यानी पुलिस से भी अपील कर रहा हूँ कि ये सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए। मैं MP साहब से भी यानी गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ को यानी सुने और या इसको यानी पकड़ लो, इनको पकड़ के इनका यानी सख्त से सज़ा, किसी के साथ ऐसा सलूक ना हो, कोई यानी औरत ऐसा बेवा ना हो, कोई यानी बच्चे यतीम ना हो उसके, मेरी ये गुजारिश है ऐसी MP साहब से, इनको इनका खातेमा कर दो, इनका यानी रोड़ी शूटरों पर यानी पुलिस यानी बहुत हिसाब से यानी उसको सख्ती से यानी इस्तेमाल आए, इनको किया जाए। तो दिन के साथ जो सुलूक हुआ मेरे बेटे के साथ, बात बेहिसाब से यानी उसको कत्ल कर दिया गया मेरे बच्चों को, मेरे बहू की कोई जिम्मेदार नहीं है, परेशान है, इसका कौन जिम्मेदार है? चीफ मिनिस्टर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, अल्लाह इन ऐसे रेडी शूटरों को अल्लाह इनको यानी सबसे पुलिस यानी इसका इंतकाम ले। हमारे MP साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारा साथ दे, ये हमारे जो परेशानी है इसको दूर करे, हमसे ये गुजारिश है, अल्लाह से यही तो कर रहा हूँ मैं तो। हमारे अकबर साहब, हमारे MP साहब, अल्लाह ये कबूल करे इनको। ये जो सैयद इम्तियाज अली, मेरा छोटा भाई सैयद फयाजुद्दीन उर्फ अब्बू, उसका परसों 4 दिन पहले कातिलाना हमला हुआ, उसमें उसकी जान चली गई और उसके छोटे छोटे 4 बच्चे मासूम बच्चे हैं, वो बच्चे यतीम हो गए, उनकी बीवी जो है सो बेवा हो गई। आपको ये मैं हमारे CM साहब और अपने कमिश्नर ऑफ पुलिस और हमारे MP साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब इन लोगों की जिम्मेदारी कौन लेंगे और ये रॉडी शेटरों का जो है सो खातिमा कर दी जाए और इनको सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए। हमारे कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि क्या बोलते से पूरा रोडिज़म ख़त्म कर दे और क्या बोलते से हर रोडी के ऊपर जो है ना सख्ती करे। ये जो मेरे भाई के साथ जो हुआ कल के दिन, दूसरी मेरी बहन के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए। मैं अपने CM साहब से और कमिश्नर साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करिए और क्या बोलते पूरा रोडिज़म ख़त्म करिए। अगर पुलिस ये चीज़ अगर पहले कर चुकी होती थी तो आज ये नौबत नहीं आती थी किसी के भी ऊपर। फयाजुद्दीन उर्फ़त अब्बू की मिसेस हूँ मैं। 4 दिन पहले शौहर का मेरे कत्ल कर दिया गया है, मर्डर, बेरहमी से मर्डर कर दिया गया है। मेरे को 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा उनकी जिम्मेदारी? मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी अपील करती हूँ कि ये रॉडी शूटर को मौत की सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा।
रॉडी शीटर को फांसी की सजा दी जाए और मेरे बच्चों को फ्यूचर की फ्यूचर के बारे में हुकूमत मदद मदद करे। न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स की खुसूसी पेशकश अल ज़हीर कॉलोनी कोहिर विलेज में वाक़े आबादी से घिरा वेंचर रिहायशी इलाके में सिर्फ 3,20,000 रुपए में 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट क्लियर टाइटल ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट स्पॉट रजिस्ट्रेशन गेटेड कम्युनिटी वाटर इलेक्ट्रिसिटी बीटी रोड ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी मस्जिद स्कूल कॉलेज बुकिंग ओपन है कॉल करें या चले आए अपोजिट ओएस प्राइड फंक्शन हॉल होटल हयात फर्स्ट फ्लोर ओरम गड्डा हैदराबाद।